तो हेलो यार गाइस, मेरा नाम है स्वप्निल देव श्रीवास्तव। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा यार कि ये जो विंडशील्ड है इसका भाई आप अंदर का फॉग है जो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये अंदर का फॉग और बाहर का फॉग जो बाहर जम जाता है भाई, ये ना ज़्यादातर रेनी सीजन में होता है भाई, जिससे ना भाई एक्सीडेंट्स भी हो सकता है क्योंकि बहुत लोगों को मतलब फॉग साफ करने नहीं आता भाई। तो यहाँ देख सकते हो यार पूरा फॉग ही फॉग है देख सकते हो। तो भाई अभी रेनी सीजन भी आ रहा है तो यार ये वीडियो बनाना एक तरह से ज़रूरी भी था। तो भाई इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इजीली अंदर का फॉग और बाहर का फॉग को हटाए कैसे। तो आइए को वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे गाड़ी को स्टार्ट कर लेता हूँ। भाई बिजली बहुत कड़क रहा है, मैं भी पानी में भींगते भींगते आया हूँ भाई देख सकते हो। तो भाई यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ यार, यहाँ पे आप देख सकते हो जिसके गाड़ी में भाई मैनुअल एसी है उसके लिए तो भाई ऐसे सेम रहेगा, और जिसके में ऑटोमेटिक है भाई वो तो समझ ही जाओगे कि मैं कर क्या रहा हूँ। तो भाई सबसे पहले तो यार आपको ये जो है कोई यहाँ पे ये वाले पे सेट कर लेना है, जो यहाँ पे आगे से हवा आएगा यहाँ से आएगा यहाँ से आएगा, तो भाई इसको पहले सेट कर लेना है यहाँ पे, ये आखिरी में ले आना है। और जो ऑटोमेटिक एसी वाले भाई हैं वो उसमें बटन दिया रहेगा भाई, उसमें बटन में ये वाला बटन को दबा देंगे। फिर भाई उसके बाद आपको फैन स्पीड जो है वो 2 पे रखना है, और ये पूरा कूल पे रखना है भाई, पूरा कूल पे रखना है इसको, मैनुअल वाले और ऑटोमेटिक वाले जो भी है भाई कूल पे रखोगे। फैन स्पीड भाई 2 नंबर पे करना है, जैसे कि मैं ये कूल पे है, फैन स्पीड 2 पे कर दिया हूँ भाई। तो यहाँ पे देख सकते हो धीरे धीरे ना भाई ये हटेगा, देखते जाना आप। तो भाई देख सकते हो यहाँ का पूरा हट गया है, देखो यहाँ पे पूरा क्लियर दिख रहा है। फिर यहाँ पे देखो धीरे धीरे हट रहा है भाई, देखो भाई सिंपली मैं फिर से बता दूं आपको, पूरा कूल पे रखना है, फैन स्पीड 2 पे रख लेना, और यहाँ पे आगे पे सेट कर लेना है। यहाँ पे देखो पूरा क्लियर हो गया भाई, पूरा क्लियर हो गया। और जैसे कि आगे से भाई जो फॉग जमता है मैं आपको बता दूं भाई, बहुत तेज पानी गिर रहा है और बिजली कड़क रहा है, तो उसका अवॉइड करना है एक बार के लिए। तो मैं अभी एसी बंद कर लेता हूँ। तो भाई जो बाहर से फॉग जमता है भाई वो साफ नहीं होता बिल्कुल, और मतलब विजिबिलिटी को लगभग मतलब गायब कर देता है। तो भाई उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है भाई इसको पूरा हीट पे करना है, ये पे फैन स्पीड को 2 पे करना, और ये सेम रहेगा भाई, इसको मैं 2 पे कर देता हूँ। तो भाई क्या होगा, इससे गर्म हवा फेंकेगा, विंडशील्ड थोड़ा गर्म होगा, जो बाहर में फॉग है ना उसको हटा देता है भाई। तो आपको ऐसा करना है भाई, इससे ना आपका जो भी बाहर का फॉग है भाई वो बिल्कुल हट जाएगा, 100% गारंटी है। और जैसे कि भाई अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो आपको ये चीज़ बहुत ज़रूरत पड़ेगी भाई। तो यहाँ पे मैं पूरा गर्म कर दिया हूँ, तो भाई देखो पूरा विंडशील्ड भाई क्लियर हो गया। मैं यहाँ वाइपर चला दूँ, देखो भाई पूरा क्लियर हो गया है, पूरा क्लियर दिख रहा हो। जैसे कि आप उस डिफॉगर को चलाएंगे ना आप, जैसे उसको हम फैन को चलाए, तो भाई यहाँ पे देख सकते हो इधर का भी पूरा खाली हो गया, यहाँ पे मतलब पूरा फॉग जमा था भाई, यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे देखो पूरा फॉग जमा है यहाँ पे। तो भाई ये अगर आपको पसंद आया होगा भाई वीडियो, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा यार, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो यार सब्सक्राइब कर देना और भी अच्छे अच्छे वीडियो के लिए। और अगर कोई भी आपको टॉपिक वीडियो चाहिए होगा यार तो नीचे कमेंट्स कर देना, मैं उसके ऊपर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच।